ओह, तो आप आ गए। आप सोच रहे होंगे मैं देख क्या रहा हूँ। लीजिए, आप भी एक झलक देखिए। दरअसल आज से हम एक नई प्लेलिस्ट ऑन करने वाले हैं जिसका नाम है प्रयोगशाला। इसके अंतर्गत हम सभी जीवों, पौधों या यूँ जितने भी आप समझ सकते हैं जो बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं उन्हें हम प्रैक्टिकली या यूँ कहें लाइव इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। क्योंकि आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया कि आज हम स्नेल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, पर उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। ओ हाँ, इसके अंतर्गत हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताने वाले, क्योंकि अगर हमने डिटेल में बताया तो वो एक थ्योरी क्लास हो जाएगी। आज हम आपको स्नेल दिखाएंगे। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, वो स्नेल देखेंगे। और इसके साथ ही हम आपको बता दें स्नेल किस फाइलम के अंतर्गत पाता है। बिल्कुल सही, मोलस्का के अंतर्गत। और ये कोई इमेज नहीं होंगे, ये लाइव वीडियोज़ होंगे जिसे खुद मैंने रिकॉर्ड किया है। अगर आपको यह प्लेलिस्ट पसंद आती है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और टॉपिक्स भी ज़रूर सुझाइएगा, जिससे हम आने वाले समय में इसको और भी बेहतर बना सकें। और चिंता मत कीजिए, आगे आने वाले समय में आपको प्रैक्टिकली कटिंग या यू कहें जितने भी डाइसेक्शन हैं वो सब भी आपको बताए जाएंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सब स्नेल के ग्रुप्स हैं कई सारे। ये सब बहुत ही छोटे छोटे स्नेल्स होते हैं। स्टार्टिंग में ये बच्चे हैं। अब अगर आपको इनके साइज का अंदाज़ा लगाना हो तो इससे अंदाज़ा लगे कि आपने सरसों के दाने को देखा है, उसके 3-4 दानों के बराबर के होते हैं, और कुछ तो इनमें से उससे भी छोटे, उनके तकरीबन 1.5 गुने के बराबर, या यूँ कहें 1 × 1/2 टाइम्स। ये देखिए, न जाने कितने ज़्यादा संख्या मौजूद होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये सब। चलिए अब हम इनमें से एक एक को अलग अलग देखते हैं। ये जो टेंटिकल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों टेंटिकल्स यही हैं स्नेल की आंखें। और इनमें आपको दो ब्लैक आई स्पॉट भी जरूर दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। हाँ, ये देखिए यही है इसका कंप्लीट एनिमल। ये जो आपको इसके अंतर्गत एनिमल होता है यही है वो एनिमल। और जो इसके पीठ पे है उसे हम कहते हैं शेल। ये मोस्टली पॉन्ड्स, लेक या यूँ कहें मीठे पानी की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें पाया जाता है, या यूँ कहें अगर पानी कहीं जमा हो वहाँ पर भी मिल सकते हैं। एक मिनट, अब ये देखिए, इसे हम इसका शेल, और ये जो ऊपर का टिप होता है इसे हम कहते हैं एपेक्स ऑफ सेल। इसके साथ ही इसे, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे कहते हैं ऑपरकुलम। माउथ भी कह सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा माउथ ऑफ सेल, ना कि माउथ ऑफ स्नेल। इन सब के बाद हम इसे कहते हैं बॉडी वर्ल, है यू कहें शरीर का घुमाव। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं विसरल मास। और इस बड़ी वाली, ये जो बड़ी वाली आपको दिख रही है वर्ल, इसे हम कहते हैं मेंटल। क्योंकि अभी हमारा स्नेल काफ़ी ज़्यादा छोटा है इसलिए आपको इसमें टेंटिकल्स नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि हम आपको फिगर में दिखाते हैं। इन्हें कहा जाता है फर्स्ट या सेकेंड, राइट या लेफ्ट, जो चाहे वो कह दें, पर टेंटिकल्स। इसके साथ ही इनमें के दो पाइप नुमा स्ट्रक्चर बाहर निकले थे जिन्हें हम साइफन कहते हैं। क्योंकि हमारे इमेज में ये जो स्नेल है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है इसलिए इसमें साइफन भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, इमेज में देख लीजिए, इन्हें ही साइफन कहा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्नेल्स खाते क्या हैं। स्नेल्स दरअसल वेजिटेरियन होते हैं, और ये बहुत ही छोटे वाले एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं ना उन्हें खाते हैं, जैसे कि वेलिशनेरिया, और अगला ये देखिए पिस्टिया, और फ्यूनेरिया, और एट्सेट्रा। वन मिनट, फ्यूनेरिया तो मेरे घर पर भी है, दिखाऊँ आपको। ये देखिए, दिखा, ये देखिए, यही सब है फ्यूनेरिया। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये साइफन का काम होता क्या है एक स्नेल के अंतर्गत। दरअसल स्नेल जो होता है वो एक लैंड एनिमल है, मतलब ज़मीन पर रहकर चलने वाला। तो जो साइफन होता है, रुकिए हम आपको वीडियो के रूप में दिखाते हैं।
ये देखिए, इसे कहते हैं साइफन। और ये क्या करता है, जब स्नेल वाटर के अंतर्गत होता है, पानी में होता है, तो वो एक लंबी सी पाइप के रूप में बाहर निकलता है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, और फिर वाटर की जो सतह या यूं कहें सरफेस होती है, उससे ऊपर थोड़ा चला जाता है और फिर वहाँ से एयर लेकर स्नेल को देता है। मतलब एक पाइप के माध्यम से एक कनेक्शन फिट करता है एटमॉस्फेरिक एयर और स्नेल के बीच, और फिर इससे स्नेल जो होता है वो वाटर के अंदर भी सांस ले पाता है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं या ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन या जितने भी यू कहें सेंसरी ऑर्गन, ये सब इसके इसी सेल के अंदर होते हैं, सेल के अंदर ही अंदर मौजूद होते हैं सब। चूँकि वो सब हम आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इन सब के लिए हमें इसे काटना फाड़ना होगा और वो तो अभी पॉसिबल नहीं है। पर अगर आप सबका प्यार रहा तो आगे चलकर हम आपको इसी तरह के कटिंग, चिंता करें, जिंदे स्नेल नहीं काटे जाएंगे सर, प्रैक्टिकल्स के लिए अलग से आए आते हैं, वे सभी स्पेसिमेंट्स नार्कोटाइज किए होते हैं, उन्हें ट्राई किया जा सकता है। और आपको एक राज की बात बताऊं, ऐसे कोई भी वीडियोस YouTube पे वर्तमान में मौजूद नहीं है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे अदर वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं और दूसरे वीडियोस को देखकर अपनी राय बता सकते हैं, पर प्लीज़ कमेंट जरूर किया करिए। चलिए हम इसके सेंसरी ऑर्गन्स को देख लेते हैं। इसके कुछ कॉमन सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि पहला इसके पेयर्ड आइज, ये वाले, यही जो आइज होते हैं ना, आँखें, ये पहले हैं। फिर इसी के साथ ही स्टेटोसिस्ट, उसके बाद आता है इनका नंबर किसे, हाँ, लेबियल पैल्स। फिर बहुत सही, आप तो पकड़ ले रहे हैं, इनका इन टेंटिकल्स का। फिर इसके बाद मेंटल के नीचे जो बॉडी होती है, उस बॉडी के भी नीचे जो स्किन होती है ना, समझ रहे हैं आप, जिसके बूते वो किसी भी सरफेस पर चलता है, उस स्किन के भी नीचे एक लेयर पाया जाता है, उसके अंदर ढेर सारे सेंसरी ऑर्गन्स लगे हुए होते हैं। ये फिगर आपको शायद दिख रहा होगा, उसे हम कहते हैं ऑस्फ्रिडियम, ऑस्फ्रिडियम नहीं, ऑस्फ्रिडियम। चलिए हमने इसके सेंसरी ऑर्गन्स की बातें कर ली, पर हम इससे ज़्यादा इसके मॉर्फोलॉजी को लेकर एक्स्ट्रा बातें नहीं कर सकते। उसका तो आपको कारण पता ही है, क्योंकि उसके लिए हमें एक नार्कोटाइज स्पेसिमेन चाहिए, जो कि अभी तो पॉसिबल नहीं है, पर आगे पॉसिबल जरूर होगा अगर आपका प्यार ऐसा ही बना रहा। तो चलिए हम स्नेल के कुछ क्रॉलिंग को भी देख लेते हैं कि वो आखिर क्रॉल कैसे करता है। आखिर कहा जाता है ना कि तुम घोंघे की चाल चल रहे हो, तो पेस है घोंघा विद घोंघा चाल। चलिए अब हमारा बचा है एक लास्ट टॉपिक। आज आपको हमारा ये नया प्लेलिस्ट कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही सामने आ रहे इस सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक करके वाइट से ग्रे कर दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप इस वीडियो को कितना पसंद करते हैं, और हम आने वाले समय में इस टाइप के और वीडियोज़ आपको देते रहेंगे। और इसके बाद हम
स्पेसिमेंस पे भी ट्राई करेंगे अगर आपने चाहा तो। आने वाले समय में आपको इंटर और ग्रेजुएशन के लाइव प्रैक्टिकल्स भी करके बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।